उसमें शामिल है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, आज इंदौर गए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने, सात नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की माटी लेकर। ऐसा है, रेती चोरी छत्तीसगढ़ में नदियों से अच्छी हो रही है, शिवनाथ की धारा बदल रही है, इस बारे में भी राहुल गांधी जी को उनको अवगत कराना चाहिए। मिट्टी को खाद करके बेच रहे हैं, गोबर को भी मिट्टी बना हम बेच रहे हैं, गोबर ले गए हैं, मिट्टी ले गए हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि खाद वैसे ही है, अभी तो बुक कर दिए हैं किसानों के नाम से, खाद मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी भर के दे देंगे हो सकता है, तो कौन सी मिट्टी ले गए हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको कोई बुलाया बुलाया नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाके वहाँ नाचेंगे, हम छत्तीसगढ़ के हैं करके नाचने के लिए गए हैं, कोई बुलाया थोड़ी है। इनका कोई देखने लायक चीज रहती तो राहुल गांधी जी को इधर से निकलना था, एक आध लाइन कहीं से रास्ता जोड़ लेना था, उत्तर छत्तीसगढ़ से, दक्षिण छत्तीसगढ़ से, मध्य छत्तीसगढ़ से, भाई मध्य प्रदेश तो लगा है ना, हमारा तो पेरेंटल स्टेट है वो। वो वित्त मंत्रियों की बैठक में गए हैं, वहाँ उन्होंने जीएसटी का जो अपना बकाया है वो भी मांगा है, साथ ही जो पेंशन की राशि जमा है 1700 करोड़ करीब, 17000 करोड़, वो भी मांग रहे हैं। भाई जीएसटी की यदि कोई बकाया है तो राज्य इसमें उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी केंद्र सरकार ने व्यवस्था दी थी कि अभी आप सॉफ्ट लोन भी ले सकते हैं, जब तक आपको नहीं मिलता है तो, जिसकी अदायगी की उन्होंने बहुत सरल शर्तें रखी थी। दूसरी बात, आप नई पेंशन पुरानी पेंशन में बहस कर रहे हैं, पुरानी पेंशन में जो जो अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती पेंशन को, उसके नियम कानून को पढ़ लीजिए, राशि को रिफंड करने या राज्यों को देने का उसमें कोई क्लॉज ही नहीं है, तो आप कुछ भी बोल देंगे उसको केंद्र सरकार पूरा करे। आप पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल करेंगे, इसको देश भर में आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो, खास करके कांग्रेस शासित या जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इसको वही बोल रहे हैं, तो आपके पॉलिटिकल एजेंडा को लिए हम नियम कानून प्रक्रिया सब बदल दें, ये नहीं चलेगा। नहीं तो ये राशि जो मांग रहे हैं जायज है क्या, ये नहीं क्या? नियम में ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी उस बात को अच्छे से जानते हैं, ये नियम में ही नहीं, उनके प्रक्रिया के कोई क्लास में ही नहीं है कि राशि वापस की जाए, और आज के समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि ये राशि वापस नहीं की जा सकती करके, लौटाया जाना संभव नहीं है करके, ये हम अलग से खाते में रखेंगे, उसमें खाते में रखेंगे बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है शेष के पैसे को तो अलग खाते में नहीं रखे, शेष के पैसे को तो दूसरे चीजों में उपयोग किया, हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर। ये भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला तब लिया पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का जब राजस्थान सरकार ले चुकी थी और राजस्थान सरकार को केंद्र भूल चुकी थी कि पैसा नहीं मिला। ऐसा है कि आपके राजनीतिक घोषणाओं के लिए किसी नियमों का शिथिलीकरण नहीं किया जाएगा, और ये पेंशन अथॉरिटी ने भी कहा है, और उसमें क्लास भी नहीं है, इसको घोषणा के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे, कांग्रेस के सारे लोग जानते थे, और वो वोट की राजनीति करने के लिए इसको लाया गया है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पूरा किया जाए। मैंने कहा जीएसटी का बकाया है तो केंद्र सरकार ने जो उपाय सुझाए उसमें चले, या मिलना चाहिए कहा हमें, तो ये राज्य हित के विषय, आपके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए शासन नहीं, जनता के हित के लिए शासन है। बिजली का 1200 करोड़ से ज्यादा अलग अलग विभागों पे बकाया है सीएससी का, अब केंद्र से एक पत्र आई है कि देखिए साहब, बिजली के बारे में बात ही मत कीजिए, गवर्नेंस के बारे में बात ही मत कीजिए, कोई भी गवर्नेंस का विषय आप मत पूछिए इस सरकार से, मेरे से भी मत पूछिए, क्योंकि गवर्नेंस और इस सरकार का संबंध नहीं है। हत्या पर बात कर सकते हैं, लूट पर बात कर सकते हैं, फिरौती पर बात कर सकते हैं, चोरी डकैती किस पर बात कर सकते हैं, रेती चोरी पर बात कर सकते हैं, अवैध वसूली पर बात कर सकते हैं, गवर्नेंस की एक नई परिभाषा है ये। आपका प्रश्न ऐसे विषयों में आना चाहिए, गुड गवर्नेंस के बारे में प्रश्न ही नहीं बनता, मैं क्या उत्तर दूंगा गुड गवर्नेंस जब है नहीं, तो जो गवर्नेंस जिसको सरकार ने स्वीकार किया है, हीरा चोरी राज्य संरक्षित स्टार्टअप है, कोयला चोरी राज्य संरक्षित स्टार्टअप है, तो ऐसे चीजों में मेरे प्रश्न कीजिए तो मैं उत्तर दूंगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।